फातमा हौसला करो, ये पानी पियो, विरसा को बल के पियो, लो बच्चा पानी पियो। अम्मा अम्मा क्या हुआ, क्या हुआ, इतने शोर की आवाज आ रही थी। हाय माँ सदके जाए, देखा कुछ नहीं हुआ बेटा। चाचू सब खैरियत तो है? अरे हाँ हाँ मैं बोल तो रही हूँ कि विरसा नींद में डर गई थी और कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। विरसा क्या हुआ, सब ठीक तो? अरे क्यों सवाल पूछ के बच्ची को परेशान कर रहे हो, वो बिल्कुल ठीक है। क्यों बेटा ठीक हो ना तुम? भाई अपनी बच्ची के लिए ना खास तौर पे सूरत पढ़ के ना पानी दम करके दूंगी, कभी नहीं डरेगी ये। विरसा बेटा तुमने अपनी अलमारी चेक कर ली ना, सब चीजें मौजूद है ना उसमें? जी ताई अम्मी सब मौजूद है। शुक्र है अल्लाह, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि तुम्हें वहम है और मैं तो जाग ही रही थी। नहीं ताई अम्मी मेरा वहम नहीं था। आप भाभी मेरे ख्याल है बहुत रात हो गई है, अब आपको आराम करना चाहिए। और फरमान। जी चाचू। बेटा अब तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुम्हारी नींद भी खराब की है, तुम भी आराम करो बेटा जाओ। मैं आज विरसा के कमरे में ही सो जाती हूँ, आज रात में अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। हाँ ठीक है अम्मी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप आराम करें। बेटा पक्की बात है ना? देखो अगर तुम्हें जरा सा भी डर लगे या कोई दिल में खौफ आए तो तुम मुझे बुला लेना, मैं यही इसी कमरे में ही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विरसा तुम परेशान नहीं हो, मैं अभी ऊपर जाते हुए गेट वगैरह सब चेक कर लूँ, और डरने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। देखा मेरा बच्चा हर वक्त ख्याल रखता है विरसा का। चलो भैया बहुत देर हो गई, अब तुम लोग भी सो जाओ, शब्बा खैर। हाँ विरसा बेटा तुम भी अपना दरवाजा ना अंदर से अच्छी तरह बंद करके सोना, ठीक है मेरी बेटी? ख्याल रखो। चलो फरमान। शुक्रिया भाभी शुक्रिया। नहीं नहीं बुला लेना, फिर आ जाएंगे। शब्बा खैर। आ जाओ शब्बा खैर। बेटा अपनी माँ को सोने दो ना अपने साथ। हाँ मैं तो कह रही थी आप आराम करें। ओके अब्बू। मैं तो नींद ही उड़ गई भाई।